इलेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रजिस्टेंस सो रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन कि रजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टर के केस में फर्स्ट डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल कि मटीरियल का नेचर कैसा है ऑफ ए कंडक्टर एंड इट्स डायमेंशन उसकी डायमेंशन पर डिपेंड करती है यानी कि लेंथ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है फर्स्ट है लेंथ पर कैसे डिपेंड करती है सो द रजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स लेंथ कि रजिस्टेंस आर जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किसके लेंथ के एंड मोर द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर मोर इज़ रजिस्टेंस जितनी ज़्यादा रजिस्टेंस होगी उतना ही करंट हो उतनी ही लेंथ होगी ठीक है क्योंकि आर जो है डायरेक्टली प्रपोर्शनल है लेंथ की जितनी लेंथ उतनी ज़्यादा रजिस्टेंस सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा द रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया ठीक है जो रजिस्टेंस है किसी कंडक्टर की वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है उसके एरिया के एंड क्रॉस सेक्शनल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा ठीक है सो आर इज प्रपोर्शनल टू एल डायरेक्टली है और एरिया के इनवर्सली है तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए स्मॉलर द थिकनेस ऑफ कंडक्टर मोर इज रजिस्टेंस कि जितनी ज़्यादा रजिस्टेंस होगी उतना उतनी उतना कम उसका एरिया होगा थिकनेस उतनी कम होगी मतलब इन्वर्सली है मतलब अगर आर इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज़ करेगा आर इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज करेगा और आर डिक्रीज करेगा तो एरिया इंक्रीज करेगा सो so, कंबाइन करनी है फर्स्ट और सेकंड को सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए सो आर प्रपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो रो आएगा सो आर इज टू रो एल बाई ए आर रो इज नोन एज स्पेसिफिक रजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस या फिर मटेरियल ठीक है ये ही रो को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी बोलते हैं सो so, यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है री करके रो इज इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय इट्स एल सो रो इज इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय इट्स एल जब ए की वैल्यू वन हो जाएगी और एल की वैल्यू वन हो जाएगी तो रो और आर इक्वल हो जाएंगी रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगी रो इजगल्स टू तो आर हो गया सो so, रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रजिस्टेंस ऑफ ए मटीरियल इज इक्वल टू रजिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिट क्यूब एंड मेड ऑफ दिस मटीरियल की रजिस्टिविटी जो है रजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी सो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी रो इज टू तो आर ए डिडेबाइट्स एल ऐसा यूनिट ऑफ रो इज इक्व टू तो, यानी कि हमारे पास क्या है क्या आएगी ओह मीटर्स क्या डिवाइड्स मीटर दैट इज़ ओहूम मीटर इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रजिस्टेंस डायमेंशन ऑफ रजिस्टिविटी रो इजिकल टू आर ए डिवाइडेड बाइट एल ठीक है रजिस्टिविटी रजिस्टेंस की डायमेंशन एम एल स्केयर टी माइनस थ्री ए रेज टू द पावर माइनस टू एल स्केयर एरिया की हो जाएगी डिवाइडेड बाइट एल एल सी एल कैंसल सो क्या आएगी एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू दिस इज डायमेंशन ऑफ रजिस्टिविटी